हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीवा इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग चैनल। लास्ट टाइम हम लोगों ने पावर शेयरिंग चैप्टर के पार्ट वन को कवर किया था, जहां पे हम लोगों ने ओवरव्यू को देखा था। तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में आ चुके हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका ने आखिर पावर शेयरिंग के साथ कैसे ट्रीट किया। तो बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम जो है एक देश है जो कि यूरोप में स्थित है। यूरोप क्या है? यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। जो इसकी पॉपुलेशन है वो अबाउट 1 करोड़ है, तो जो कि पता है अपने इंडिया के सामने तो नेगलिजिबल है। इस समय आप जानते हैं पैंडेमिक में 1 करोड़ के आसपास अभी तो नहीं मरे इंडिया में, बट धीरे धीरे मे बी हो जाए ना हो वो देखा जाएगा। तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो हम लोग के स्टेट है हरियाणा, वहाँ की पॉपुलेशन की भी आधी है। और जो इसका एरिया है वो हमारे स्टेट हरियाणा के अकॉर्डिंग काफ़ी छोटी है। ये काफ़ी छोटी कंट्री है यूरोप में। तो हम लोग बात करते हैं बेल्जियम की एथनिसिटी के बारे में। दरअसल यहाँ की एथनिसिटी काफ़ी ज़्यादा हॉच पॉच है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हम लोग एथनिसिटी को थोड़ा पढ़ने से पहले आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है। जब हम किसी चीज़ का बंटवारा करते हैं यानी कि शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें कमज़ोर होती जाती हैं, यानी कि कम होती जाती हैं। तो क्या ये बात आप लोग को पता है कि अगर हम लोग पावर को शेयर करेंगे यानी कि पावर को डिवाइड करेंगे तो ये कंट्री को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर करेंगी। तो इसके बारे में आप लोग कुछ अपने पॉइंट्स और व्यूज़ रखिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे जिसका सबसे अच्छा पॉइंट रहा तो वो कमेंट में अगले वीडियो में रिप्रेजेंट करूँगी पढ़ाने के दौरान। तो फिर अगर आप लोग को आंसर इसका नहीं आया तो मैं अगले वीडियो में आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊँगी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ के एथनिसिटी के बारे में। एथनिसिटी क्या होती है? द स्टेट ऑफ बिलोंगिंग टू अ सोशल ग्रुप दैट हैज़ कॉमन नेशनैलिटी और कल्चरल ट्रेडिशंस। सिंपली हम लोग एथनिसिटी को बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ कॉमन ट्रेडिशन और कल्चर इन एनी कंट्री। फॉर एग्जांपल इंडिया का सबसे अच्छा ग्रुप एग्जांपल है कि हिंदू, मुस्लिम। यहाँ की भी एथनिसिटी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बट उतनी नहीं। तो सपोज ये आपके बेल्जियम का मैप है, तो बेल्जियम का जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। क्या बोलते हैं? फ्लेमिश रीजन। और बेल्जियम के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वलोनिया रीजन बोलते हैं। और जो बेल्जियम की कैपिटल है यानी कि ब्रुसेल जो है आपकी इस जगह पे है, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल। तो अब हम लोग बात करते हैं जो आपका फ्लेमिश रीजन है वहाँ पे 59% टोटल पॉपुलेशन रहती है जो कि डच स्पीकिंग लैंग्वेज डच बोलते हैं। और जो आपका वलोनिया रीजन है वहाँ पे 40% लोग रहते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं। और वलोनिया के ईस्ट में एक रीजन है इस जगह पे, यहाँ के लोग जर्मन लैंग्वेज यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ब्रुसेल के बारे में। अब हम लोग अगर ब्रुसेल पे देखें तो ब्रुसेल में इसका पूरा अपोजिट है। सपोज ये कंट्री की कैपिटल है ब्रुसेल। ब्रुसेल में 80% जो है लोग 80% लोग क्या बोलते हैं? उसी का अपोजिट यानी कि फ्रेंच। और 20% क्या बोलते हैं? डच। 20% क्या बोलते हैं? तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मतलब पूरी तरीके से अलग हैं। पूरी कंट्री की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो है डच लैंग्वेज वाले ज़्यादा हैं। अगर सिर्फ कैपिटल की बात की जाए तो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज ज़्यादा हैं। अगर हम लोग कंपेयर करें और पूरी कंट्री में देखें तो हमें देखा मिलेगा कि डच स्पीकिंग वाले जो लोग हैं वो कंट्री में ज़्यादा हैं बल्कि फ्रेंच वाले कम हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? जो फ्रेंच वाले लोग हैं मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं और पावरफुल हैं, तो डच वाले लोग काफ़ी ज़्यादा इन लोगों से जलते हैं। तो इस कारण और काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्यों क्रिएट हुआ? अब डच वाले जलते हैं इन लोगों से और वो सोचते हैं कि भाई हम लोग काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हैं बट फिर भी हम लोग इनसे कमज़ोर हैं और काफ़ी मतलब कम अमीर हैं इनके कंपैरिजन। तो टेंशन हमारे ड्यूरिंग 1950s और 1960s में काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुआ।
कब क्रिएट हुआ? ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि किस समय ब्रुसेल्स में या बेल्जियम में पूरे टेंशन का माहौल बना था। टेंशन यानी कि गर्मा गर्मी हो गई थी। और कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रकार से जाहिर होती है कि जो पूरे कंट्री में टोटल पॉपुलेशन देखा जाए तो डच लोगों की ज़्यादा थी, बट अगर हम लोग सिर्फ कैपिटल स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पे फ्रेंच वाले ज़्यादा थे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे बेल्जियम कंट्री है ये कैसे अपनी कंट्री में पावर शेयरिंग के साथ डील करती है, तो हम लोग अब उस पर डिस्कस करते हैं। अब हम लोग लास्ट बेल्जियम के स्टोरी के एंड में पहुंच चुके हैं कि आखिर बेल्जियम में कैसे पावर शेयरिंग के साथ गेम खेला गया, यानी कि बोर्ड वाले जो टीचर हैं, जो खतरनाक खतरनाक टीचर हैं, वो एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ बेल्जियम डील्ड विद पावर शेयरिंग। तो कुल मिला के हमें कुछ नहीं, वहाँ पर बेल्जियन मॉडल लिख देना है। बेल्जियन मॉडल को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि बेल्जियम टुक वेरी डिफरेंट पाथ। बेल्जियन ने काफ़ी ज़्यादा अलग पाथ चूज किया पावर शेयरिंग के लिए, कि अलग अलग देशों के कंपैरिजन इसने कुछ अलग चुना। और रिकॉग्नाइज रिलीजनल रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, और रिकॉग्नाइज किया यानी कि देखा कि भाई हमारे रीजनल डिफरेंसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ डाइवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है कल्चर में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1970 और 1973 के बीच में। अब हम लोग पढ़ते हैं बेल्जियन मॉडल। बेल्जियन मॉडल कहता है कि इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ डच एंड फ्रेंच शैल बी इक्वल, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा यानी कि पूरे देश की जो सरकार होगी, वहाँ पे जो जितने भी डच बोलने वाले मिनिस्टर होंगे वो फ्रेंच वालों के इक्वल होंगे। और उन्होंने कुछ स्पेशल लॉ बनाया जो सारे मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि सम पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। कुछ लोग तो इतने समझदार होंगे कि बोल रहे होंगे मुझे हिंदी मत बताओ, लेकिन अब कुछ लोगों के लिए कि कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो कैपिटल वाले गवर्नमेंट होते हैं, और कैपिटल यानी कि ब्रुसेल्स, उसके पास एक सेपरेट गवर्नमेंट थी जहाँ पे बोथ कम्युनिटी यानी कि दोनों कम्युनिटी के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन था, यानी कि उनके मिनिस्टर्स का। और लास्ट उन्होंने एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जो कि है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जहाँ पर जो लोग होते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप से या किसी पर्टिकुलर एथनिक से बिलोंग करते हैं, वो वहाँ के मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं। अच्छा, इससे हुआ क्या? इससे दोनों को स्टेट में यानी कि कैपिटल में और ओवरऑल कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो टेंशन थी जो फ्यूचर में क्रिएट होने वाली थी या जो हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा शांत हुई। अब टेंशन का माहौल कभी नहीं बनेगा। इन्होंने यानी कि बेल्जियन की गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया जिससे अलग अलग कम्युनिटी के लोग वहाँ पे आके आसानी से रह सके और बिना किसी भी प्रॉब्लम के। तो यहाँ से हम लोग का जो बेल्जियन मॉडल यानी कि बेल्जियम का जो हम लोग को पढ़ना था वो ख़त्म हुआ। अब लास्ट हम एक क्वेश्चन था हम लोगों का, अब उसका आंसर आप लोग को देना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। मैंने अभी स्टार्टिंग में वीडियो में पूछा था कि आखिर कैसे ये जो हम लोग शेयर करते हैं पावर का, जो डिवाइड करते हैं वो कैसे मतलब डील्ड करती है, यानी कि वो रियली कंट्री को वीक करती है या फिर कुछ और करती है। अपना अपना व्यू में आंसर दीजिएगा। सो ये लेक्चर ख़त्म होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।